कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने जुमा के रोज बोयनपल्ली पुलिस के टाउन से मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम के रैकेट को बेनकाब किया है और उनके कब्जे से 1,80,00,000 रुपये मालियती अशिया को बरामद किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अंजनी कुमार ने वजाहत की है कि 5 मुलजिमान बशमूल 46 साल जी रमेश साकिन ओल्ड बोयनपल्ली, 53 साल एस सत्या एन वेंकटेश के हरिगोपाल और सी श्रीनिवास को मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जुमला 1,80,00,000 रुपये मालियती अशिया बशमूल 29,00,000 से जायद नकद रकम को जब्त किया गया है। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम गैंग का डिटेक्शन हुआ और इसमें टोटल 5 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। ये पूरा गैंग जो रेड हुआ वो जीआरएम स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस प्लॉट नंबर 31 रोड नंबर 4 मल्लिकार्जुन कॉलोनी ओल्ड बोयनपल्ली सिकंदराबाद में है और ये लोग फेक कॉइनेक्स ट्रेडिंग इसके नाम से जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को ऑर्गेनाइज के कवर करके मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चला रहे थे पिछले कुछ समय से। जो 5 लोग अरेस्ट हुए उसमें टोटल सीज मटेरियल जो आज रेट में आपके सामने आया वो लगभग 1,80,00,000 रुपीज का है। अरेस्टेड गैंग मेंबर्स में लीडर गारदास रमेश जो कि 46 ईयर्स ओल्ड है, रियल एस्टेट बिजनेस और गोरीनगर ओल्ड बोयनपल्ली सिकंदराबाद का रहने वाला है, ओरिजिनली दोमरकुंडा कामारेड्डी तेलंगाना का रहने वाला, और इसके बाद इसके जो 4 सब ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें सत्तैया जो कि कोतापल्ली करीमनगर का रहने वाला है, वेंकटेश जो गंगाधर मंडल करीमनगर का रहने वाला है, हरिगोपाल जो पेतापालम प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ओंगोल का रहने वाला है, और श्रीनिवास जो सुनैना टावर न्यू बोयनपल्ली का रहने वाला है। ये लोग 5 लोग एक फेक इंटरनेट वेबसाइट बना करके जो कि इनके बॉम्बे के जो दोस्त हैं मोहन और सुनील चौहान, ये लोग दोनों मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सीपी ऑनलाइन इसके साथ मिलकर के 2016 में ये लोग ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किए। इसके बाद ये लोग वहां से coinextrading.com के नाम से, जिसका कि ऑफिस ये लोग दिखाते थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क,